नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों आज हम अपने इस चैनल पे जो वीडियोस डाल रहे हैं वो आज के समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में वीडियोस डाल रहे हैं। दोस्तों हमने जो है अभी तक 3 वीडियो डाले हैं, वो है फर्स्ट पेपर के सामान्य ज्ञान के जो पेपर हुआ है, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर हुआ है उसकी वीडियो हमने 3 वीडियो डाले हैं। और अब यह मेरा चौथा वीडियो है आज का, और इस वीडियो में मैं हिंदी का पूरा पेपर एक बार में सॉल्व कर रहा हूँ। 60 क्वेश्चन हैं, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिला लें। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करने के लिए एक शब्द है, जो शब्द है उसको बोलते हैं संविदा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, डी सही है। अपने सहारे पर रहने वालों के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, जो अपने आप सहारे पर रहते हैं उसको स्वावलंबी बोलते हैं। आत्मनिर्भर भी लोगों ने लगाया है, आत्मनिर्भर ही लगाया, लेकिन ये गलत है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अप्रमेय जो है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक वाक्य है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जिज्ञासु, जिज्ञासु है, जिज्ञासु भी लोग लगाए हुए हैं लेकिन जिज्ञासु सही नहीं, गलत है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए शब्द है असूर्य, सूर्यम पस्पा, असूर्यम पास्या, यह शब्द सही है इसके लिए। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्राही, अनुचित बात के लिए जो करते हैं उसको दुराग्राही बोलते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित रिजल्ट आया, जिसे बोलते हैं ना अप्रत्याशित रिजल्ट आया, मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो रिजल्ट आ गया। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द सही है, उसको राज्य राज्यादेश कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, जो भी राज्य निकालता है उसको अध्यादेश बोलते हैं। बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट का इस पर अध्यादेश आ गया है, अध्यादेश बोलते हैं उसको। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो उसको बोलते हैं प्रवस्पतिका, प्रवस्पतिका बोलते हैं उसको। सिर से पैर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सिर से पैर तक वाक्यांश के लिए है अपाद मस्तक, एक वाक्य इसके लिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 11वें प्रश्न में निम्नलिखित में से शब्द उपयोग का विलोम, उपयोग का विलोम, देखिए यहाँ पे विलोम लिखा हुआ है, विलोम शब्द शुरू हो गए हैं, उपयोग का अनुपयोग होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है दोस्तों वो है अनिषिद्ध। इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में, अगर आपका जो सही आपको लगे वो आप लगा दीजिएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने जितना भी अटेम्प्ट किया है, अब जितना आपको सही लगे, जितने आपके सही निकले यहाँ से, उसको आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके आप लोगों ने कितना सही किया है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम, शुष्क का विलोम जो होता है, शुष्क का जो विलोम होता है वो है आर्द्र, शुष्क मतलब होता है सूखा, आर्द्र मतलब होता है गीला। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल, स्थूल का विलोम जो होता है वो है तन्वी। पृथक का सही विलोम, पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है, पृथक मतलब होता है अलग 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 अलग, पृथक पृथक जो बोलते हैं ना अलग अलग, संयुक्त मतलब एक साथ जुड़े हुए। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग में, विलोम शब्दों का सही युग जो है हया का बेहया, ये विलोम शब्द का सही है, और बाकी जो है ये सब गलत हैं, सही नहीं है इसमें दिए हुए हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग में, विलोम शब्दों का एक गलत युग में जो है वो है दक्षिण का, दक्षिण दक्षिणपंथी वामपंथी, दक्षिण का क्या होता है, दक्षिण का तो उत्तर होता है ना, वाम नहीं होता है, तो ये जो है ये गलत है, यानी कि आंसर आपका सही होगा ए। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है, अल्पज्ञ बहुज्ञ, ये सही है, संयुक्त अधियुक्त ये तो गलत है, और समस्त अभ्यस्त ये भी गलत है, अज्ञ का अनभिज्ञ ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर देखना है कि आयोग जो है किसको सही मानता है, इसके दोनों सही आंसर हैं, ए और डी दोनों सही हैं। और आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से वैसे बहुत सारी किताबों में ये भी सही दिया, ये भी सही दिया हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्या सही है, और इसे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सही मानता है वो। विलोमार्थक शब्द से एक युग में अशुद्ध है सचल, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है, तो इसका आंसर जो है सचल का चल जो दिया हुआ है यही इसका अशुद्ध है, सचल का अचल होता है,
चल दिया हुआ जो गलत हो दिया। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, बिल्कुल सही शब्द युग्म, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़, अशुद्ध लिया है या सही लिखा है, किसका आंसर हमें देना है? आरज का औसत, औरस, आरज का औरस, सॉरी आरज का औरस लिखा हुआ है, यही सही है इसका। दोस्तों 21वां प्रश्न हम देखते हैं, दुष्चरित व्यक्ति के संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में दुष्चरित शब्द व्याख्या की दृष्टि से संवर्ग है, विशेषण है, दुष्चरित जो है विशेषण है, उसका लड़का लंबा है, विशेषण इसमें क्या है, सीधा सीधा लग रहा है कि लंबा जो है ये विशेषण है इसका। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, पांडु शब्द क्या होगा, विशेष और विशेषण दोनों होंगे। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषण चतुर है इसमें। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, बड़ा ठग था, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है, इसमें दो विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष्य है, एक तो है ये क्रोधी, क्रोधी देखिए विशेष्य है ये, और कष्टक चुनौती ये नहीं है, ये राही है, राही राह से राही बना हुआ है और क्रोध से क्रोधी बना हुआ है, इसलिए दोनों सही है। अब आयोग को डिसाइड करना है कि किसको वो सही मानेगा, जिन्होंने अगर वो दोनों को सही मानता है तो जिन्होंने दोनों पर टिक मारा होगा दोनों सही कर लिए जाएंगे उनके। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, लाखों लाखों विशेषण है, यानी कि आंसर सी सही है आपका। विशेष वह शब्द होते हैं जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको विशेष बोलते हैं, बी सही है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, जिस शब्द से, जिस ऊपर लिखा ना, जिस शब्द से, शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेष बोलते हैं। अब यहाँ पूछ रहा विशेष है क्या इसमें, अच्छा विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है ना, तो विद्यार्थी इसका है। आठ बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस ने लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में विशेष विशेषण विशेष संबंध नहीं है, किस वाक्य में किस शब्द से विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है, पुलिस की लापरवाही से इसमें नहीं है, बाकी सब में आठ बड़े चोर, आधे चोर, बड़े चोर, इन सब में है, इसमें नहीं है। 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पर्यायवाची शब्द कुल कंसा नहीं है, बाकी ये सभी है, हंस सुता है, अकड़ है, कृष्णा है। बिसिक शब्द का पर्यायवाची, बिसिक शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो बाण होता है। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, खर का पर्यायवाची शब्द तेज नहीं है, तिनका, खर मतलब होता है खर पतवार बोलते हैं ना, तो तिनका होता है, गधा होता है, दुष्ट होता है, ये सब होता है, खर का पर्यायवाची शब्द है ये। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं वाला जो है, नहीं वाले क्वेश्चन है ये। सादुर, सादुर जो होता है शेर का पर्यायवाची होता है, अब पूछा किसका जा रहा है, घोड़े का, घोड़े का कौन सा नहीं है, यानी कि यही सही है, शेर का है ना ये सही है। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, टीका का होता है व्याख्या। धनंजय का पर्यायवाची जो है गुड़ा केस होता है, धनंजय का पर्यायवाची, धनंजय जो है अर्जुन का एक नाम है, तो अर्जुन धनुर्धारी थे, लोगों ने धनुर्धर के ऊपर लगा दिया, लेकिन धनुर्धर नहीं है, धनुर्धर जो है एक विशेषता है किसी की, किसी का नाम नहीं है, तो धनंजय अर्जुन का नाम था, गुड़ा केस बोलते थे अर्जुन को, यही सही है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी, मीन का समानार्थी झक है, झक की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ये वाला सा होता है यहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक कुछ नहीं होता है, ये यही सही है, आप इसको सही मानिए। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, केतु का पर्याय नहीं है, ग्रह, ग्रह जो है यह केतु का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची शब्द है करवाल, तलवार का पर्यायवाची करवाल है। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है भार, सॉरी मार, मार जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द जो है ओझा, कूप, लोग बहुत सारे लोग कूप लगा के आए, लेकिन कूप सही नहीं है, कूप गलत है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, सटिका, सटिका तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, लोग सरसों को वही बता रहे हैं लेकिन सरसों सही नहीं है। वरात का तत्सम शब्द क्या है, वरात लोग बता रहे हैं लेकिन ये गलत है, वरात जो है गलत है, वर यात्रा होता है, वर की यात्रा में हम लोग जाते हैं ना, वर मतलब दूल्हा, उसकी यात्रा में जाते हैं उसको दूल्हा बोलते हैं, बरात की यात्रा में, बरात का तत्सम हो गया वर यात्रा, हम लोग वर की यात्रा में जाते हैं।
मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का तत्सम रूप मुक्तक है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? मृतिका। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक ही शब्द दो तीन क्वेश्चन सही करवा देता है। यह मृतिका के बारे में दो क्वेश्चन जीके के पेपर में, जो सामान्य अध्ययन के पेपर था, मृतिका के किसमें पानी सबसे कम होता, किसमें पानी ज़्यादा होता, वो वाला क्वेश्चन आया था ना, आपको याद होगा, मृतिका वहाँ लिखा हुआ था। तो ये मिट्टी का तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग में अशुद्ध है, अशुद्ध युग में देखना है, कपूत का कपूत लिखा है, ये सही नहीं है। इसके हिसाब से निम्नलिखित में से अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, इसलिए ये यही आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम कौन सा शब्द है? सरीसृप, ये शब्द तत्सम में है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द ज्योत्सना सृष्टि परीक्षा में से घर। अखरोट का तत्सम शब्द क्या है? अखरोट का जो होता है अक्षयवट लोग बता रहे हैं, लेकिन ये अक्षयवट गलत है, आप इसको काट दीजिए, ये सही नहीं है, अक्षोट होता है इसका, अखरोट का जो होता है अक्षोट होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? अदरक। अदरक और अदरक जो है तत्सम और तद्भव का सही रूप है। 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 51वां प्रश्न हम इसके बाद बता रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है दृष्टा है, प्रतिदर्श है, रचयिता है, आहार का आहार, देखिए लिखा आहार होता है ना, आप आखिरी मात्रा होती है, तो ये दृष्टा सही है। इसमें निम्नलिखित में शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध दोनों कंबाइंड पेपर में आया हुआ है, कहीं शुद्ध पूछा है कहीं अशुद्ध पूछा हुआ है, तो निरपराध जो है अशुद्ध है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, देखिए फिर अशुद्ध पूछा हुआ है यहाँ पे, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? मिथिलेश कुमारी, ये अशुद्ध है, स्पेलिंग सही नहीं लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है वर्तनी है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, फिर अशुद्ध पूछा हुआ है, देखिए अशुद्ध में पूछा है दैहिक नौकरी, प्रौढ़ पौरुष नौकरी है इसमें। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? चर्मस्क, वाड्मय, पुनरुत्थान, हिरण्य कश्यप, तो ये जो है ये अशुद्ध वर्तनी है। पुनरुत्थान जो लिखा हुआ सही से नहीं लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन, देखिए आप शुद्ध पूछा है, कुछ शुद्ध पूछा, कुछ अशुद्ध पूछा हुआ है। सांसारिक नहीं, सांसारिक लिखा सांसारिक होता है, ये तो गलत हो गया। निरपराध होता है, ये भी गलत हो गया। इसमें देवनागरी हिंदी की लिपि में लिखी जाती है, यही सही है इसका। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये भी गलत है इसका। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट था, एक गुलाब की माला ले लेना, एक गुलाब की माला थोड़ी होता है, गुलाबों की माला होता है ना, तो यही अशुद्ध है, गुलाबों की माला होता है, ये अशुद्ध है, बाकी सब तो शुद्ध लग रहे हैं इसमें। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, आप इतनी देर में क्यों आए, ये नहीं होता ना, आप इतनी देर से क्यों आए, मैं नहीं से होगा यहाँ पे, इसलिए ये जो है अशुद्ध है, और यही हमारा आंसर सी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य क्या है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्तदान किया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो यह निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, यह शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामले में गवाह था, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, तो यही अशुद्ध हो गया इसका। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने कितने सही किए, 60 में से आपका कितना स्कोर रहा है, आप ये जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारा YouTube चैनल CP स्मार्ट क्लासेस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैंने 3 वीडियो जो है उसके डाले हुए हैं, GK के पहले पेपर का जो GK का था उसके 3 वीडियो डाले हैं, उसमें एक वीडियो भी और डालना है मुझे, चौथा वीडियो मैं भी डालूंगा उसको, और एक हिंदी का हो गया, तो सारे क्वेश्चन पेपर ये हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसका कट ऑफ भी बताऊंगा आपको कि कितना कट ऑफ जाएगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, SC ST OBC और जनरल कितना कट ऑफ जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।